माँ की कसम भाग गया। दरवाजा यूं यूं खटकाने लगी, इतने में इसके घर में आदिल घुसा हुआ था। इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी टीपी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। क्या हुआ था आज और मैं अंदर घर में थी और क्या कहते हैं जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि मेरी बहन चिल्ला रही है, रमा रानी दे, तो मैं बाहर आई। मैंने इसके घर में बहुत सारी घंटी बजाई, इसने नहीं कुछ बोला, तो मैं दरवाजा यूं यूं खटकाने लगी, इतने में इसके घर में आदिल घुसा हुआ था। इसको उस पर डाल के, गाड़ी में डाल के इसके घर में घुस गया था। और है ना, आदिल ने क्या कहते हैं, आदिल ने मेरे को बोला तू बाहर आ जा। और दो जने थे और पकड़ के आना मुझे घसीटते हुए ले गए और मैं चिल्लाती रही लेकिन सुनी नहीं, और मेरे को गाड़ी में जाके पटक दिया। और है ना क्या कहते हैं, इतने जोर जोर से ऐसे ऐसे करके मेरे को गाड़ी में वो कर देते। फिर हम दोनों को गाड़ी में भी खूब पीटा इन्होंने गाड़ी में, और हमसे कह रहे थे 2 करोड़ रुपए इस केस में हमने खर्च किए हैं, वो हम मेरे को दो करोड़, और तुमको राजीनामा करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं हम ये मकान सारी जायदाद हमें दे दो। और तीन तो पहले नहीं, 4 थे और क्या कहते हैं एक को उन्होंने बीच में रास्ते में उतार दिया था। आपके साथ मारपीट भी करी? बहुत मारपीट करी है हमारे साथ, और क्या कहते हैं बेतहाशा, और हमें रिवॉल्वर भी दिखा रहे थे और उनके पास एक कैंची थी जिससे मारने की बार बार हमको धमकी दे रहे थे, चुप हो जा नहीं तो ना हम मार डालेंगे, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब सब कुछ हमारे हाथ में है, और क्या कहते हैं ना सारे लोगों को हमने अपने में मिला रखा है। कोई तो वजह ये है कि हमारी पैतृक मेरे पापा की बनाई हुई ये संपत्ति है जो क्या कहते हैं 1295 गज की संपत्ति है, और क्या कहते हैं इस संपत्ति को झूठे कागजात तैयार करके, मेरे पापा के झूठे सिग्नेचर कर करके, और ये आदिल शेख अपना हत्याना चाह रहा है। हम दोनों बहनें रहती हैं, हम लोग अनमैरिड हैं और ये हमारे पापा के घर में ही रह रहे हैं, हम लोग रिटायर होके आए हैं। अभी किडनैपिंग का केस तो करेंगे इनके ऊपर। हाँ, मेरा नाम कुमकुम जैन है।